अब जैसे कि हम थोड़ा सा आगे बढ़े हुए हैं और भाई साहब हमारे साथ में हैं, तो हम इनसे पूछते हैं, पैदल जा रहे हैं। जी भाई साहब नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विष्णुदत्त शर्मा। अच्छा शर्मा जी कहाँ से आए? आगरा। अच्छा विष्णु दत्त शर्मा आपने नाम बताया, और आप ये झंडा लेकर जा रहे हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो आगरा से क्या, कहाँ से पैदल कहाँ से आ रहे हैं? जन्मभूमि आगरा से। तो आप ये कह रहे हैं कि आगरा से पैदल आए हुए हैं शर्मा जी हमारे साथ में, और शर्मा जी कब से पैदल चल रहे हैं? आज हमें 10वां दिन। 10 दिन से आप लगातार पैदल चल रहे हैं, और आपको देखकर लगता तो नहीं, आगरा कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर है। अच्छा छतरपुर से, यानी कि यहाँ से हम बात करें बागेश्वर धाम से तो ये 500 किलोमीटर पड़ेगा, 500 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, और आप पैदल चल रहे हैं शर्मा जी, तो काफ़ी आप कुछ है, मतलब क्या मन में कुछ विचार करके लाए थे? कोई विचार नहीं, केवल पहले एक बार ट्रेन से दर्शन कर गए, दोबारा आए हैं तो पैदल ले जाए। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आपने बिल्कुल एकदम, आपको मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप, एकदम बिल्कुल आप पैदल चल रहे हैं, और आपको 10वां दिन भी हो गया है, और आप कुछ लिए नहीं है, खाने पीने का क्या नहीं होता सर, है? होटल से या कहीं मंदिर पर, जैसे आश्रम पर रुक रहे हैं तो वहाँ प्रसादी मिल जाती है, वहाँ से अपना। अच्छा प्रसाद लेते हो काफ़ी, और आपका स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल सही लग रहा है, तो आप एकदम बिल्कुल सही तरीके, कोई भी दर्द नहीं, कोई भी कुछ नहीं, सब बालाजी की। तो आपने कुछ मतलब ऐसा कुछ कर रखा है कि कुछ बदना आपने या कुछ ऐसा सोचा हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं सोचा, जॉब है बब्बा की। जॉब में क्या करते हैं आप? होंडा कंपनी में हूँ मैं। अच्छा होंडा, 2010 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या करते हैं उसमें? ऑपरेटर हूँ, मशीन ऑपरेटर। अच्छा अच्छा मशीन।